हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बनाने वाली मोमोज हूँ। मोमोज का ये रेसिपी मैं दे रही हूँ। इस पर पहले तेल में मैंने थोड़ा सा ये करने में सूट करने में मैंने भूल गया था, इसलिए इस पर मैंने पहले तेल ऑयल के बाद थोड़ा सा जीरे डाला, उसके ऊपर थोड़ा अनियन डाला। अनियन डाल के अभी फ्राई हो रहा है, अभी फ्राई हो रहा है। इसके बाद मैंने इस पर डाल ली ये काली मिर्च है, गोल मिर्च और रसुन, इसको दोनों को पेस्ट बनाया, हल्का दरदरा पेस्ट बनाया। पेस्ट बन के इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऑयल में, ठीक है। आज होने वाला पत्ता गोभी का मोमोज बनेगा आज। फिर इसके ऊपर मैं दे रही हूँ ये धनिया दरदरा पिसे हुए। इसके बाद इस पे मैंने नमक डाला, स्वाद अनुसार नमक, पत्ता गोभी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सूखा हुआ मिर्ची, फिर डाल दिया, मसाला फ्राई हो गया। इसके ऊपर ये जो पत्ता गोभी मैंने काट के रखा ये डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ढक के थोड़ा सा इसका पानी, इसमें मैंने मसाले को गोभी के साथ एकदम मिक्स कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इसको ढक के 5 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद आ रही हूँ। फिर 5 मिनट पर आपको दिखा रही हूँ, 5 मिनट पर ऐसा हो गया। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला, इससे हल्दी नहीं डालते मोमोज में, तब देख सकते हो हल्दी नहीं डालते, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे वाइट वाइट हो रहा है, और थोड़ा सा 5 मिनट तक पकेगा, ठीक है। फिर 5 मिनट में ढक के पका रही हूँ इसको। देखो हो गया, 5 मिनट बाद हो गया पूरा, बिल्कुल रेडी हो गया स्टफिंग। मोमोज का जो अंदर स्टफिंग होगा वो पूरा एकदम रेडी होगा, ठीक है। चलो फिर बनाने चलते हैं। जो स्टफिंग तो मैंने बना लिया, ये तो स्टफिंग तैयार है, आप तो देख ही लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं ये मैदा को गूंद रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डाल लूँ, नमक फमक कुछ भी नहीं डाल लूँ, सिर्फ ऐसे ही मैंने पानी से इसको गूंद के थोड़ी देर मैंने रख देंगे। मैं आपको दिखाने के लिए मैं गूंद रही हूँ, क्योंकि पहले से मैंने गूंद के 10 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया, आपको सामने दिखाने के लिए और एक बार गूंद रही हूँ। इसको आटा को तैयार कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको गूंद लिया, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ज़्यादा मुलायम भी नहीं है, ठीक ठीक जैसा आटा हमारा हम लोग गूंजते हैं ना ऐसे ही। अरे मैदे से बना रही हूँ, जो मैदा होता है ना मैदे से बना रही हूँ, ठीक है। ये तो मैंने 10 मिनट के लिए रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से तैयार करके रख दिया, ठीक है। ये पहले से तैयार करके रख दिया, और गुच्छी भी इतना बड़ा बड़ा काट लिया, जैसे मुर्जी सेप देने के लिए। आपको एक बना के मैं दिखाती हूँ कैसे बना इसका, ठीक है। ठीक है, हम इसको बनाने का तरीका एक दिखाते हैं, एक पीस बना के, ठीक है। इसको पहले बेल लेंगे, फिर उसके बाद इसका अंदर स्टफिंग डाल लूँ, फिर इसको ऐसे करके उठा के ऐसे वाला बनाऊँ, हाँ इसको ऐसा करके घुमा के ठीक है। ठीक है, ऐसे वाला बनाया एक,
और एक ऐसे वाला बनाया, ठीक है, दोनों तरफ के बना के फिर जब बन जाएगा तब दिखा रही हूँ क्या स्टेप, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ रही हूँ करके सब एक मिनट में, ठीक है। इसको मैंने ये ऐसे तरीका बनाया क्योंकि वो वाला अच्छा नहीं बन रहा था, फिर ऐसे तरीके आपको दिखा रही हूँ ऐसे कैसे पे बन रही, ठीक है। ऐसे को ऐसे करके फिर ऐसे को ऐसे भाज कर लिया, ठीक है, फिर इसको दोनों पीछे में ऐसे कर लिया, फाल फूल की तरह बन गया, है ना। देखो एक बंगल में अपोरा जी का फूल होता है उसके तरह बना है, अच्छा बना है ना। ठीक है, मैंने ऐसे करके स्टीम कर लिया, ठीक है, ऐसे करके भाप बन के इस पर अंदर पानी डाल के तो आप जानते ही हो, और ऐसे करके मैंने स्टीम बना लिया, ठीक है, मैंने बना लिया, ठंडा भी हो गया, और जो मैंने दिखाया था वो थोड़ा सा गर्म है और ये ठंडा हो गया, इसको मैंने प्लेट में सजाया। चटनी भी मैंने घर पे ही बनाया, मोमोज का चटनी स्पेशल, आप इसका भी चटनी चाहते हो तो इसका रेसिपी मैंने दे सकते हो, ऐसा करके बनाया, ये भी बहुत टेस्टी हुआ, ठीक है।